आप देख रहा है कोटियन क्रिएशंस। क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने 77th टेस्ट क्रिकेट मैच में 400 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने जोफ्रा आर्चर को आउट कर जैसे ही अपना 400 विकेट लिया, कप्तान विराट कोहली सहित सभी भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट पूरे करने वाले श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुत्तैया मुरलीधरन के बाद दूसरे गेंदबाज बने हैं। मुरलीधरन ने 72 टेस्टों में 400 विकेट लिए थे, जबकि अश्विन ने अपने 77 टेस्ट में इस उपलब्धि हासिल की है। अश्विन से पहले भारत में ये उपलब्धि अनिल कुंबले, कपिल देव और हरभजन सिंह को हासिल थी। अश्विन ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में तीसरे विकेट लेते ही वो इस कीर्तिमान पर पहुंच गए। आर्चर ने गेंद की लाइन के उलट जाकर शॉट खेलने का जोखिम उठाया और उनके चूकने पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की और आर्चर को पग बाधा आउट दे दिया। आर्चर के रूप में इंग्लैंड का 35 रन पर 7वां विकेट गिरा। आर्चर ने 2 गेंदें खेली और खाता खोले बिना पेविलियन लौट गए। रविचंद्रन अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर, कुल टेस्ट मैच 77, अर्धशतक 11, शतक 5, विकेट 401, कुल एक दिवसीय मैच 111, अर्धशतक 1, शतक नहीं, विकेट 150, कुल T20 मैच 46, अर्धशतक नहीं, शतक नहीं, विकेट 52। रविचंद्रन अश्विन IPL में कुल मैच 154, अर्धशतक नहीं, शतक नहीं, विकेट 138। यह था अभी का न्यूज़। क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।